सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, बिजनेस अवेयरनेस फॉर डीयू जेट का पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा एंड आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप नहीं देखा। एंड यार, थैंक्स अलॉट, आपने दोनों ही पार्ट पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। तो हमारी आज की वीडियो है बिजनेस अवेयरनेस फॉर डीयू जेट पार्ट थ्री। सो यार, अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, अभी प्रेस कर लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो यार, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल अश्योरेंस AIA। देखो यार, ये मैं आपके साथ करंट अफेयर्स में कवर कर चुका हूं ये वाला क्वेश्चन। सो ये बिजनेस अवेयरनेस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपके ऑप्शन है वो है नवीन तहिल्यानी, ऋषि श्रीवास्तव, PR जयशंकर या फिर SS मल्लिकार्जुना राव। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नवीन तहिल्यानी। सो नवीन तहिल्यानी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल अश्योरेंस। सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द पेटीएम मनी। एंड ये भी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो जो आपके ऑप्शन है वो है साहिल श्रीधर, अजय यादव, प्रवीण जाधव या फिर वरुण श्रीधर। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वरुण श्रीधर। सो वरुण श्रीधर अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द पेटीएम मनी। ठीक है ना, पेटीएम मनी के CEO अभी नए अपॉइंट किए गए हैं, वरुण श्रीधर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ICRA लिमिटेड रिसेंटली। एंड ये क्वेश्चन भी आपके साथ मैं करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूं। सो जो आपके ऑप्शन है वो है M रविचंद्रन, S सीतारमन, N शिवारमन या फिर नरेश टक्कर। सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज N शिवारमन। सो N शिवारमन न्यूली अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO ऑफ ICRA लिमिटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। एंड वंस अगेन, ये भी मैं आपका करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूं। सो जो आपके ऑप्शन है वो है अर्जित पटेल, KM शेठ, S जयशंकर या फिर नन ऑफ दीस। सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्जित पटेल। सो अर्जित पटेल अपॉइंट किए गए हैं एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। सो जो आपके ऑप्शन है वो है हरदयाल प्रसाद, पद्मजा चुंडुरू, करनम शेखर या फिर अश्विनी कुमार तिवारी। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अश्विनी कुमार तिवारी। सो अश्विनी कुमार तिवारी अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI कार्ड। ठीक है ना, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेस्ला। सो टेस्ला कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो जो आपके ऑप्शन है वो है जेफ बेजोस, वॉरेन बुफे, एलोन मस्क या फिर बिल गेट्स। सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलोन मस्क। सो एलोन मस्क CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है टेस्ला कंपनी के। ऑल्सो एलोन मस्क ही CEO है SpaceX कंपनी के। ठीक है ना, सो SpaceX एंड टेस्ला कंपनी की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है एलोन मस्क। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सो जो आपके ऑप्शन है वो है बिल गेट्स, सत्य नडेला, मार्क जुकरबर्ग या फिर एलोन मस्क। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सत्य नडेला। सो सत्य नडेला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ठीक है ना, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इन्फोसिस कंपनी। सो इन्फोसिस कंपनी के CEO कौन है? तो आपके ऑप्शन है वो है सलील पारेख, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर अनिल अंबानी।
सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सलील पारेख। सो सलील पारेख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है इंफोसिस कंपनी के। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आरबीआई अप्रूव्ड शशिधर जगदीशन एज नेक्स्ट एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सो आरबीआई ने किन्हें, आरबीआई ने कौन से बैंक के लिए शशिधर जगदीशन को नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ अप्रूव किया है। सो जो आपके ऑप्शंस है वो है कर्नाटका बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर सिंडिकेट बैंक। एंड ये जो क्वेश्चन मैं आपके करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको आंसर पता होगा। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एचडीएफसी बैंक। तो आरबीआई ने अप्रूव किया है शशिधर जगदीशन को एज अ नेक्स्ट एमडी, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंपनी यूजेस टैगलाइन इंस्पायर्ड लिविंग। सो यार देखो ये टैगलाइन आपने काफी ज्यादा सुनी हुई होगी, तो कौन सी कंपनी की टैगलाइन है ये आपको बताना है। सो जो आपके ऑप्शन है वो है लिनोवो, सैमसंग, हायर या फिर टाटा। सो यार आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको अब तक आंसर पता चल गया होगा यार, बहुत ही सुना होगा आपने इस कंपनी के साथ ये वाली टैगलाइन। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हायर। सो हायर कंपनी की जो टैगलाइन है वो है इंस्पायर्ड लिविंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंपनी यूजेस टैगलाइन द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। एंड ये बहुत ही एक पॉपुलर कंपनी है, काफी आपने सुना हुआ होगा, एनी टैगलाइन आपको पता होगी कौन सी कंपनी की है। सो जो आपके ऑप्शन है वो है ऑडी, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा या फिर एमजी। सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बीएमडब्ल्यू। सो बीएमडब्ल्यू की जो कंपनी की टैगलाइन है वो है द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंपनी यूजेस टैगलाइन लाइफ्स गुड। तो यार ये तो बहुत ही सुना हुआ हो आपने यार, ये बहुत ही याद करने का अच्छा तरीका है कि इसी टैगलाइन से आपको कंपनी का नाम पता चल जाएगा। सो जो आपके ऑप्शंस है वो है पैनासोनिक, एलजी, सोनी या फिर लावा। सो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलजी। या देखो लाइफ्स गुड की आप अगर कहेंगे जो फॉर्म होगी वो आपकी एलजी ही कहलाई जाएगी, तो इसलिए एलजी कंपनी की ही टैगलाइन है लाइफ्स गुड, ठीक है ना। एंड काफी यार सुना हुआ होगा आपने, एंड काफी ज्यादा सुना हुआ होगा। सो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंपनी यूजेस टैगलाइन मेकिंग टुमारो ब्राइटर। तो आपको बताना है कौन सी कंपनी है जिसकी टैगलाइन है मेकिंग टुमारो ब्राइटर। सो जो आपके ऑप्शंस है वो है BHEL, ONGC, GAIL या फिर Reliance। सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ONGC एंड दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सो ONGC कंपनी की टैगलाइन है मेकिंग टुमारो ब्राइटर, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हु इज द सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पतंजलि कंपनी। जो आपके ऑप्शन है वो है बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, सलील पारेख या फिर आदित्य पुरी। सो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आचार्य बालकृष्ण। सो आचार्य बालकृष्ण चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है पतंजलि कंपनी के। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। देखो शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो वीडियो को लाइक करो, एंड यार बहुत ही जल्दी इसके सारे पार्ट्स आने वाले, तो यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते रहे वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।